अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अबाउट। बेसिकली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है ऐसे क्लाइंट्स जो कि अपवर्क के ऊपर नहीं है, साइन अप नहीं है, लेकिन आप एज ए फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर काम करते हो, तो आप उन्हें डायरेक्टली अपवर्क से कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हो और वो उस पे सिर्फ पेमेंट करेंगे और अपवर्क पे आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी और पेमेंट और आप उसका काम कर दोगे। सिंपल, उसको अपवर्क पे स्पेसिफिक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। विदाउट क्रिएटिंग एन अकाउंट क्लाइंट आपको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है अपवर्क के ऊपर, और इसके नतीजे में जो अपवर्क है वो आपसे 2-3% चार्ज करता है इंस्टेड ऑफ 20%, तो काफ़ी कम प्राइस है। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि क्लाइंट ने जो पे कर दिया है तो, और आप काम कर रहे हो, जब आपका काम आपने क्लाइंट को भेज दिया और क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया तो अपवर्क वो आपको पेमेंट दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने काम दिया और क्लाइंट भाग गया, ठीक है। वो जो पेमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट भेजा क्लाइंट को, क्लाइंट क्या करेगा, उसको अपवर्क को दे देगा, अपवर्क उसको अपने पास रख लेगा और आप काम करना शुरू कर दोगे। अब काम जब आप डिलीवर कर दोगे और क्लाइंट जो है उसको अप्रूव कर देगा तब आपको अपवर्क वो पेमेंट दे देगा। अगर आप वो अप्रूव नहीं करता क्लाइंट तो वो पेमेंट अपवर्क के पास रहेगी। उसके बाद अपवर्क एज ए मिडल मैन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा जो दोनों के दरमियान आ रही है। इस वजह से अपवर्क 2-3% उसका चार्ज करता है और सिक्योरिटी रहती है आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन है हमारे पास अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का, सिंपल हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने देखे डिफरेंट जो है अपवर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये एक्सपायर्ड। मैंने बेसिकली एक पे भी नहीं किया, एक दो पे मेरे ख्याल से किया था मैंने। यहाँ पे देखिए $38 का किया है ये, मैंने यूज़ किया था जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो सिंपल यहाँ पे आप क्रिएट क्लाइंट करोगे, सॉरी क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अब क्लाइंट का ईमेल डालोगे, जो भी ईमेल है उसका, कॉन्ट्रैक्ट का नेम डालोगे, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ xyz@gmail.com, लेट्स से यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का अबाउट लिखूँगा कि आई हैव टू डिज़ाइन अ बिजनेस वेबसाइट, और यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे आवरली फिक्स, ठीक है। फिक्स के ऊपर आप प्राइस मेंशन करोगे आवरली के ऊपर, यहाँ पे आप कहोगे जितने भी आपकी प्राइस है उस मुताबिक आप यहाँ पे ऐड कर दोगे कि इतनी पेमेंट है, ठीक है। और जो वीकली लिमिट है आप कह दो लेट्स सपोज 40, और इस तरह से आप नेक्स्ट कर दोगे। अगर आप फिक्स पे आओगे तो सिंपल यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप दे दोगे $300 का प्रोजेक्ट लेट्स सपोज जो भी आपका और क्लाइंट का तय हुआ है, और नेक्स्ट कर दोगे, और यहाँ के ऊपर आप एक एडिशनल नोट लेके यहाँ पे क्लिक करोगे, सेंड कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और क्लाइंट की ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब सिंपल आपको वो करना है, क्या कहते हैं, वो पे कर देगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एक्टिव के अंदर, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से वो शो हो जाएगा $38 का कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।